तो देखिए, हम जानते हैं कि आप हमको अच्छे से चिंते हैं, लेकिन अब आपकी निमकी में एक ट्विस्ट और रिप्लेसमेंट आ गया है। तो बेस है आज की नायक निमकी विधायक। तो देखिए, हमारा पोस्ट बड़ा है, स्टाइल बड़ा है, स्वैग भी बड़ा है और जिम्मेदारी भी बड़ा है। और अब चश्मा बदला है तो नजरिया भी बदलेंगे और अपना सारा जिम्मेदारी पूरा भी करेंगे, बड़का बड़का काम करेंगे। ब्यूटीफुल लेडीज को, जितनी भी यहाँ पे की है, सबको और ब्यूटीफुल करेंगे। और हाँ, बाकी लोगों की तरह अपना पेट बड़ा नहीं करेंगे। तो हमारी जितनी भी बहन यहाँ पर बैठी हैं, हम उसे बस एक मैसेज देना चाहते हैं, उसे कुछ कहना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी बड़का पड़ाव आता है हमारी जिंदगी में तो हम भी घर आ जाते हैं, लेकिन जब लाइफ में एक और चांस मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले तो उसे फट से लपक लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, दोबारा नहीं मिलता है। ये ठानो कि क्या करना है और बस आगे बढ़ते चलो, और कभी चलते चलते गिर जाओ तो फिर से उठो एकदम स्टाइल और कॉन्फिडेंस से। आप दूसरों के भरोसे रह जाओगे तो ले लोटा बोलते ही रह जाओगे भाई। ताली बजा सकते हो आप लोग। और देखिए, वैसे भी कहा है कि आजकल पॉलिटिक्स में लेडीजों का बहुत कमी है और विधान भवन में हम थोड़ा अकेला फील करने वाले हैं। ये पॉलिटिक्स में हम चाहते हैं कि हम लेडीज लोग के प्रति सबका नजरिया बदले। तो जितनी भी हमारी महिला लोग हैं या लेडीज लोग हैं जो ये देख रहे हैं, जो यहाँ पर हैं, हम चाहेंगे कि वो लोग हमको ज्वाइन करें, हमको सपोर्ट करें, वो पॉलिटिक्स में आए। और अगर चाहे तो हम थोड़ा कोचिंग क्लास वास भी वही आप लोगों के लिए कर लेंगे, शुरू कर देंगे, और का एक और बिजनेस हो जाएगा हमारा। तो बस उठिए और आगे बढ़िए, हम हैं ना साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की नायक निमकी विधायक। बदल चुके हैं आप, जब 12 तारीख से देखिएगा तो आप तो वाकई मतलब ये लगेगा कि सब अपनी अपनी एक नई नई कहानी लेके आए हुए हैं, सबके लिए नया कुछ करने को है। इन सब से मिलने के बाद मैं आपको अपने नए सीजन के मिंटू सिंह से मिंटू सिंह अभिषेक शर्मा। अब ये मिंटू सिंह कौन है? बब्बू जैसा चेहरा लग रहा है। ये आपको देखना होगा 12 तारीख से निमकी विधायक। थैंक यू। जीवन 12 अगस्त 2019, ये है आपकी निमकी विधायक की एंटायर टीम। कैन वी हैव अ क्विक फोटो प्लीज? सो देखते रहिए निमकी विधायक 12 अगस्त से 9:30 बजे है। एंड ये एक्सपेक्टेड था जी, बट इट वाज इट्स अ वेरी वार्म रिस्पांस, बहुत अच्छा लग रहा है सबका और सबके साथ। और व्यूअरशिप के लिए थैंक यू। एंड अगले सीजन में मैं सब कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ 12 अगस्त से खुद देखिए 9:30 बजे। आई थिंक बहुत अच्छा रहा है, बहुत फ्रूटफुल रहा है, बहुत कुछ सीखने मिला है। एंड ये डायलॉग सभी बोलते हैं वैसे हर इंटरव्यू में कि बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन मैंने असली में एक नई लैंग्वेज भी सीख ली है, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और अब बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है। एंड आई थिंक अभी तक का बेस्ट कास्ट जो था वो अभी तक का बेस्ट कास्ट मिला है और एक बेस्ट बॉस मिला है, तो आई थिंक नथिंग मोर देन दैट। आई ओनली फॉलो
अ लॉट ऑफ पीपल ऑन इंस्टाग्राम बट मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ नो बिकॉज मेरे आइडल्स पॉलिटिशियंस बिल्कुल भी नहीं है नॉट एनीथिंग नेगेटिव कि मैं उनके बारे में बोल रही हूँ बट मेरे आइडल्स ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव ही हैं और वो एक नॉर्मल इंसान भी हो सकता है बिकॉज मेरे खुद की को एक्टर्स के बीच में मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी इन लोगों से सीखती हूँ कुछ किसी की अच्छी हैबिट हो तो वहाँ से भी आइडल किसी स्पेसिफिक को मैं बोलूँगी नहीं बट येस इन्होंने काफ़ी हद तक जो आप निमकिया टेलीविजन पे देखते हैं जो लैंग्वेज है वो इन्हीं का मतलब प्रेशराइज किया हुआ रिजल्ट है तो आई थिंक इनको थैंक यू है बहुत सारे आई थिंक निमकी अपने बिना आई थिंक विधायक बनने से पहले ही एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी काफ़ी लड़कियों के लिए काफ़ी लड़कों के लिए तो बोलूँगी नहीं डेफिनेटली एक वुमेन एम्पावरमेंट शो है बट कुछ कुछ ऐसी हमने बहुत सारे एपिसोड्स दिखाए हैं जहाँ पे एक मैसेज पास आउट किया है कि किस तरह चीज़ें बदल सकती हैं तो आई एम श्योर नॉट ओनली निमकी स्वीटी का जो कैरेक्टर है वो भी एक यू नो एक ऐसे फैमिली में जैसे उन्होंने कहा वहाँ पली बड़ी है जो सभी कर रहे हैं लेकिन वो आज ऑल्सो एज एन इंस्पिरेशन उभर के बाहर आएंगे देन देर इज मवाज कैरेक्टर देर चाचीज कैरेक्टर जो एक नॉर्म से हट के खुद के डिवोर्स के लिए भी बात की है तो आई थिंक ये सब छोटे छोटे एक इंस्पिरेशन है जो सब औरतें भी सीख सकती हैं हर एक कैरेक्टर से यहाँ ऑब्वियसली मतलब एक मुखिया लेवल पे जो आप कोई चीज़ कर रहे होते हो पॉलिटिकल जर्नी में लेकिन अगर विधायक के लेवल पे आप कर रहे हो तो कुछ बातें बड़ी हो जाएंगी मसले बड़े हो जाएंगे इश्यूज़ बड़े होंगे तो वो है सर सेंटीमेंट्स को लेकर कितना ध्यान रखा है आपने क्योंकि जब आप किसी पॉलिटिशियन को दर्शाते हो अगर उसको सटायर पे मैं दिखाते हो तो कई पॉलिटिशियंस बुरा भी मान जाते हैं इस बात को लेकर उस चीज़ का कितना ध्यान रखा है नहीं देखिए हमने एक शुरू से इसका इंग्रेडिएंट में इसके मतलब ह्यूमर है तो कोई ऐसा नहीं कि आज मैं किसी का मजाक उड़ाने उतरा हूँ तो ह्यूमर हमेशा से रहा है तो इस कैरेक्टर का वो इनहेरेंट एक विटी रही है इनहेरेंटली तो उसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है किसी को बुरा मानने की ज़रूरत है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कैरेक्टर किसी पर बेस्ड ही नहीं है तो किसी को लगेगा भी नहीं कि हाँ ये तो मेरे जैसा है और अगर किसी नेता को लगे कि मेरे जैसा है तो ही और शी शुड फील प्राउड है तो वो एक नर्वसनेस आती है कि हाँ मतलब जिस तरह से हमने ये सक्सेस पाया है क्या नहीं लेकिन अब तक जो भी काम किया है मैंने उसमें एक कन्विक्शन रहा है और मेरे कन्विक्शन ने मुझे पे किया है सो दैट वे आई एम कॉन्फिडेंट नहीं देखो सेकेंड सीजन में अभी क्या है अगर हम सस्पेंस खोल नहीं है क्योंकि क्या है सेकेंड सीजन में बहुत सारी स्टोरीज अनफोल्ड होंगी अगर मैं आपको अभी बता दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ तो वो सरप्राइज एलिमेंट चला जाएगा और आपकी बात नहीं है लोगों तक पहुंच गई ना बात तो हमारे हमारी टीआरपी भी बहुत फर्क पड़ेगा बोलना तो अगर ऑडियंस तक वो बात पहुंच गई कि मैं क्या करने वाला हूँ एज अ मिंटू सिंह तो फिर टीआरपी भी फर्क पड़ेगा क्यों खेले हम उसके साथ यार तो इसलिए मैंने थोड़ा दबा के रखा आराम से पता चलेगा आपको बट आई एम श्योर और मैं आपको भी ये बात मेक श्योर करता हूँ कि बहुत मजा आएगा और अलग होगा बब्बू से बस इतना advertiser for innovative outdoor solutions.